हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आई क्यू टैप. नाउ आज के इस वीडियो में हम 26 दिसंबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करने वाले हैं. इसमें हमारा मेन एम ये होगा कि आज के न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पीसेस एंड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या फिर एडिटोरियल्स आए हैं उन्हें हम अपने प्रिलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें. सो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली न्यूज़ जो है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बारे में है. इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक रीजन है जिसे पूंछ रीजन कहते हैं. पूंछ रीजन के अंदर कल इंडियन आर्मी के ऊपर कुछ अननोन लोगों ने अटैक किया है. ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर अटैक के रिगार्डिंग क्वेश्चन करने के लिए इंडियन आर्मी ने और जो वहाँ की लोकल पुलिस है उन्होंने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया है. ठीक है, दैट इज वाई ये पर्टिकुलर कम्युनिटी यहाँ पर न्यूज़ में आती है. अब देखिए, जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, सबसे पहले तो ये एक नॉमेडिक एथनिक ग्रुप है जो कि पेस्टोरलिस्ट है. पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है जो कि चरवाहे हैं. चरवाहे मतलब कि जो एनिमल हर्डिंग करते हैं. ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन वगैरह करते हैं. अब जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है वो लार्जली भारत के नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाती है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सब पार्ट्स में पाई जाती है. इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ये पाई जाती है. नाउ इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये भारत के अंदर रहने वाली सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम ट्राइब है. ठीक है, सो आप समझिए जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल के पार्ट्स में जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी रहती है वो भारत के अंदर रहने वाले जितने भी मुस्लिम ट्राइब्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है. इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में जितने भी एथनिक कम्युनिटीज रहती हैं, देखिए यहाँ पर हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, जितने भी ट्राइब्स हैं जो मुस्लिम ट्राइब्स हैं उनमें सबसे बड़ी ट्राइब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की है. बट जब हम एथनिक कम्युनिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम ट्राइब्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगी. तो जब हम नॉन मुस्लिम्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तब गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के अंदर थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप बनते हैं. देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है वो है कश्मीरीज और सेकेंड लार्जेस्ट है डोगराज. ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे आते हैं गुज्जर बकरवाल जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है. ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. इसके बाद जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है वो एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं ट्रांस ह्यूमन्स. ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब ये है कि देखिए जैसा हम जानते हैं कि वो एनिमल रियरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. अब एनिमल रियरिंग में जब भी गर्मी का सीजन होता है तो ये हमेशा मूव करते हैं, मतलब माइग्रेट करते हैं माउंटेन्स के ऊपर. ठीक है, सो बेसिकली गर्मियों के टाइम में माउंटेन्स पे जाते हैं और जब गर्मियां खत्म हो जाती हैं यानी कि जब सर्दियों का सीजन आता है तो ये वापस लोअर एल्टीट्यूड्स पे आ जाते हैं. ठीक है, सो इसे कहते हैं ट्रांस ह्यूमन्स, मतलब कि सीजन्स के अकॉर्डिंग अपना प्लेस को माइग्रेट करना, अपने प्लेसेस को चेंज करना, उसे कहते हैं ट्रांस ह्यूमन्स. ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है. और ट्रांस ह्यूमन्स जो है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की खासियत है. नाउ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन दोनों ही स्टेट्स में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ये जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब है हिमाचल प्रदेश में भी और जम्मू कश्मीर में भी. नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि देखिए ये लार्जली जो लैंग्वेज बोलते हैं वो है उर्दू, देन वो बोलते हैं पश्तो. ठीक है, और उसके अलावा जो थर्ड लैंग्वेज जो बोलते हैं उसे कहते हैं गोजरी. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गोजरी. देखिए उर्दू और पश्तो शायद आप एक अनुमान लगा सकते हैं, गैस लगा सकते हैं, लेकिन गोजरी जो है एक लैंग्वेज का नाम है जो कि जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न पार्ट में बोली जाती है. आपको बस ये ध्यान रखना है. ठीक है, देखिए गोजरी की इंपॉर्टेंस कैसे आ जाती है. जब भी आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अक्सर यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यूपीएससी पूछ सकता है कि गोजरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ वॉट. ठीक है, फिर वो ऑप्शन दे देगा, इट इज़ अ हेरिटेज बिल्डिंग. ठीक है, फिर सेकंड दे देगा, इट इज़ अ लैंग्वेज. थर्ड दे देगा, इट इज़ अ कल्चरल ट्राइब. इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए कि गोजरी जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बोली जाती है. तो आई होप आपको गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बारे में बेसिक चीज़ें पता चल गई. ठीक है, इससे ज़्यादा हमें पता होने की जरूरत नहीं है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करनी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ हम जाते हैं पीएम जनमन स्कीम के बारे में. देखिए जनमन स्कीम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. तो आदिवासी के से रिलेटेड है सबसे पहली बात तो ये, तो यानी कि आदिवासी मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे रिलेटेड है. अब समझने वाली बात ये है कि ये सारे के सारे आदिवासी इसको अपने अंदर कवर नहीं करते हैं. इनका मेन एम ये है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, मतलब उसकी जो डेवलप्ड सोसाइटी है डेवलप्ड सोसाइटी के साथ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करना है. अब कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, तो पीवीटीजीज को. पीवीटीजीज क्या होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. अब देखिए पीवीटीजी कौन होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो कि एसटीज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं.
मतलब समझिए इस चीज़ को, हमने इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के डिविजन्स किए हुए हैं, राइट। हमने कुछ ट्राइब्स को एसटीज एंड कुछ को एससीज का दर्जा दिया हुआ है। तो एससीज का मतलब है ऐसे कास्ट जो कि काफ़ी अनडेवलप्ड हैं, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, और एसटीज का मतलब है ऐसे ट्राइब्स जो कि अभी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाए हैं। अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो एसटी जो है अभी भी काफ़ी पिछड़े वर्ग में माने जाते हैं एज कम्पेयर टू एससीज। तो जैसा हमने समझा कि एसटीज जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो ऑलरेडी काफ़ी कम डेवलप्ड है। नाउ इन एसटीज के अंदर भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि नॉर्मल से भी कम डेवलप हुई है। तो उन कम्युनिटीज़ को, उन ट्राइबल ग्रुप्स को जो कि एसटीज के अंदर भी वल्नरेबल हैं, उन्हें कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, पीवीटीजीस। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं जो पीएम जनमन स्कीम है उसे कौन इंप्लीमेंट करेगा। सो इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये चीजें हम गेस कर सकते हैं, राइट। सो जनमन स्कीम, हमें बस पता होना चाहिए कि जनमन स्कीम जो है वो पीवीटीजीस यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो कि एसटीज का एक सबसेट है उनसे रिलेटेड है, और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाला है। इसका मेन एम क्या होगा कि जितने भी पीवीटीजी हाउस होल्ड्स हैं पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, उन सबको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जैसे कि गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एमिनिटीज हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करना मेन एम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ठीक है। आई होप आप जनमन स्कीम को समझ गए होंगे। नाउ पीवीटीजीस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। पहला हमने समझा कि ये एसटीज के अंदर भी और ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब जो ऑलरेडी लोएस्ट ग्रुप है एसटीज, उस ग्रुप के अंदर भी सबसे लोएस्ट लेवल पे है वो आते हैं पीवीटीजीस। अब समझिए, पीवीटीजीस जो है वो ब्रिटिशर्स टाइम से ऑलरेडी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और पहले इनका नाम जो है वो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करता था। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, पिछड़े हुए, ठीक है। सो पिछले हुए, सो ब्रिटिशर्स ने इसको जो नेम दिया था वो था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, बट इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नेम चेंज करके जो पीवी वाला पार्ट था उसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल बना दिया, मतलब कि वल्नरेबल्स के अंदर भी वल्नरेबल हैं ये लोग, ठीक है। अब देखिए 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था हमारा, आप जानते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेंसस था 2022 में होने वाला है, और उसका रिपोर्ट जो है वो 2026 तक आएगा। तो जब तक ये वाली रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हमें इसी पर्टिकुलर सेंसस की रिपोर्ट को फाइनल पॉपुलेशन फिगर की तरह कंसिडर करना होगा। सो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अंदर टोटल 75 ऐसी कम्युनिटीज थी जिसे पीवीटीजीस माना गया था, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स माना गया था, और ये टोटल 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर पाया गया था, मतलब कुछ स्टेट्स थी प्लस कुछ यूनियन टेरिटरीज थी, और दोनों मिलाकर टोटल 17, मतलब भारत के टोटल 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑलमोस्ट 75 ऐसी ट्राइब्स रहती हैं जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। नाउ इन 17 स्टेट्स में से जो एक स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पीवीटीजीस रहते हैं वो है ओडिशा। सो ओडिशा के अंदर अ टोटल ऑफ 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जो कि भारत के अंदर सबसे हाईएस्ट है किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है। सो आई होप आप बेसिक सारे के सारे पीवीटीजीस के बारे में समझ गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हम थोड़ा समझते हैं कि किसे हम पीवीटीजीस मान सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट है जब उन्होंने सेंसस के अंदर ये चीजें निकाली थी तो उन्होंने कौन कौन सी कम्युनिटीज को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा दिया था। सबसे पहले चीज़ तो उनके पास जो सब्सिस्टेंस का मेथड है, सब्सिस्टेंस का मतलब जो जिंदा रहने के लिए वो लोग जो चीज़ें करते हैं वो प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस होना चाहिए। सो प्री एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, देखिए आप जानते हैं जो न्यूलिथिक कल्चर था, न्यूलिथिक कल्चर के अंदर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, बट न्यूलिथिक से पहले जो पैलियोलिथिक वाला पार्ट था और जो मीसोलिथिक का पार्ट था वहाँ पर हमारा फुल फ्लेश्ड एग्रीकल्चर प्रेजेंट नहीं था। तो उस टाइम में क्या था, उस टाइम में हुआ करता था हंटरिंग गैदरिंग, ठीक है, देन वहां पर था स्मॉल लेवल्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है, तो हंटरिंग गैदरिंग करके खाना, ठीक है, हंटर हंटिंग करके खाना और उसके बाद उसको फिर फीड स्टॉक्स में लेकर आना, देन आपने ये सब चीजें समझी होंगी, राइट। सो जितनी भी प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस है वो सब के सब यहाँ पर पीवीटीजीस को फॉलो होती है, मतलब आज भी ये लोग उसी तरीके से जी रहे हैं जिस तरीके से लोग पैलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक टाइम्स में जिया करते थे। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा सेकंड जो है वो ये है कि जीरो या फिर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब उनकी जो कम्युनिटी है उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है, स्टैग्नेंट हो गई है मतलब कि जितने बर्थ हो रहे हैं उतने ही डेथ हो रहे हैं, जितने डेथ हो रहे हैं उतने ही बर्थ हो रहे हैं, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो नहीं कर रही है। मतलब कि एक खतरा यहां पर यह भी है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी कम्युनिटीज पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है, तो इस चीज के लिए भी यहां पर गवर्नमेंट को एंड पूरी कम्युनिटीज को काम करने की जरूरत है। थर्ड, रिलेटिव आइसोलेशन, मतलब कि जो मेन कम्युनिटीज होती हैं उनसे ये लोग काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं, जिसके कारण जो डेवलपमेंट आप मेन कम्युनिटीज़ में देखते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
फोर्थ इज लैक ऑफ रिटन लैंग्वेज. नाउ देखिए, ये आपको पता होना चाहिए. जैसा कि हमने पहले बात की ये प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो प्री एग्रीकल्चर अगेन पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, इन टाइम्स को देखिए, तो उन टाइम में इंडिया के अंदर भी जो ट्राइब्स वगैरह या फिर ग्रुप्स वगैरह ह्यूमंस वगैरह रहा करते थे, उनके पास कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं था, राइट. तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पैलियोलिथिक के टाइम्स है, वहां पर ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमंस थे वो प्रॉपरली बोल नहीं पाते थे, एंड उनके पास कोई भी वर्ड्स वगैरह नहीं हुआ करते थे. मतलब वो कुछ आवाजें निकाल सकते थे, मतलब कुछ नॉइजेस वगैरह निकाल सकते थे, प्लस वो बेसिकली साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे. फिर जब मेसोलिथिक आया, तो मेसोलिथिक में माना जाता है ह्यूमंस का वोकल कॉर्ड जो है वो कंपैरेटिवली वो बेटर तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और हमने कुछ कुछ वर्ड्स वगैरह बोलने स्टार्ट किए थे. बट इट वॉज नॉट अंटिल नियोलिथिक टाइम्स जब हमारा फुल फ्लेश्ड एक एक स्पोकन लैंग्वेज स्टार्ट हुआ था. एक स्पोकन लैंग्वेज जो है हमारा वो बेसिकली नियोलिथिक टाइम्स में स्टार्ट हुआ था. तो कुछ वैसा ही जो है वो पीवीटीजीज आज भी यहाँ पर रहते हैं. अब ऐसा नहीं है कि ये लोग बोल नहीं पाते, ये लोग बोल पाते हैं, बट इनकी जो लैंग्वेज है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ठीक है. इनके जो लैंग्वेज है वो अभी तक रिटन फॉर्मेट में नहीं है, वो सिर्फ ओरल लैंग्वेज है, फिर जो सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज है, वो सिर्फ उस लैंग्वेज से बातें करते हैं आपस में, वो लिखे नहीं हुए कहीं पर भी वो लैंग्वेजेस. नेक्स्ट है कि उनका जो चेंज का रेट है वो बहुत स्लो है, मतलब जो डेवलपमेंट का रेट है वो बहुत स्लो है यहाँ पर. दैट इज वाई ऑल्सो उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल बोला जाता है. एंड फाइनली वहाँ का जो लिटरेसी लेवल है वो एक्सट्रीमली लो है, बहुत ही कम है. ऑब्वियसली आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि लो लिटरेसी लेवल के कारण ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है. सो अगर इनको डेवलप करना है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो जो रिलेटिव आइसोलेशन है इसे खत्म करना होगा, ठीक है. उसके बाद इनको धीरे धीरे इनको चेंजेस देने होंगे, इनको लिटरेसी प्रोवाइड करना होगा, इनको जो प्री एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस है उसे बाहर ला करके जो मॉडर्न सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करना होगा. ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से हम पीवीटीजीज को वापस मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के अंदर वापस वो कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं. और उसी चीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, प्रधानमंत्री जनमन स्कीम, जहां पर मेन एम क्या है कि हमें कुछ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है पीवीटीजी के हाउस होल्ड को. सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो स्कीम है वो प्रॉपरली समझ आ गई. नो, जो नेक्स्ट न्यूज़ पीस हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ है वो है अबाउट कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. सबसे पहले तो ये समझिए, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तेलंगाना के अंदर. और ये एक मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है. मल्टीपर्पस का मतलब क्या है कि ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए बनाया गया है. पर्पसेस क्या क्या है देखिए, ये इरिगेशन के लिए बनाया गया है जो कि फार्मर्स को यूज़ होगा, ड्रिंकिंग के लिए है जो बेसिक पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, वहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ को पॉपुलेशन मतलब ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा, इंडस्ट्रीज़ को ये वाटर प्रोवाइड करेगा उनके डेली यूसेज के लिए. दैट इज़ वाई इनको इसको मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट बोला गया है जो कि तेलंगाना के अंदर है. नाउ समझने वाली बात यह है कि एक लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है. नाउ लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है एक पर्टिकुलर टाइप का इरीगेशन प्रोजेक्ट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से एक डैम को बनाया जाता है जिससे कि हम जो अर्थ की ग्रेविटी है उस ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं वाटर को नीचे फेंकने के लिए, ताकि वो टर्बाइन पे गिरे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो, ठीक है. अब देखिए, जितने भी वर्ल्ड के अंदर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उस सब के अंदर ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है. सो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर जो कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है, जो कि मल्टी स्टेज से बना हुआ है और जिसका एम जो है वो ग्रेविटी को इस्तेमाल करना है अपने वाटर को टर्बाइन के ऊपर गिराने के लिए, ठीक है. नॉर्मली जो बहुत सारे डैम्स होते हैं वो लोग मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेविटी का इस्तेमाल हो रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. अब देखिए, इसके अलावा ये ऑलमोस्ट 240 TMC का जो वाटर है वो प्रोड्यूस करेगा किस चीज़ के लिए, जैसा हमने देखा मल्टी पर्पसेस के लिए, इरीगेशन, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फिर इंडस्ट्रियल यूसेज हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर. नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है UPSC के अंदर, वो है कि वो गोदावरी रिवर के ऊपर है. कालेश्वरम जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना के अंदर, और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गोदावरी रिवर है इसी रिवर के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाया गया है. नाउ एक चीज समझिए, वहां पर एक मेदीगद्दा रिवर भी है. मेदीगद्दा रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है, मेदीगद्दा बैरेज. नाउ इसी मेदीगद्दा बैरेज से पानी एक्चुअली स्टार्ट होता है कालेश्वरम प्रोजेक्ट में, और उसके बाद वो पानी यहां से मतलब इस पर्टिकुलर रिवर से ये पानी लेता है ये जो प्रोजेक्ट है, और वो गोदावरी रिवर के अंदर पीछे की तरफ फेंकता है पानी, ठीक है. कुछ ये समझिए कि मल्टी स्टेज है, तो बेसिकली एक रिवर से पानी लेकर के वो सेकंड रिवर तक पहुंचाता है, और वहां से जो रिवर है जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो टर्बाइन पे पानी गिराने का काम करता है. नाउ
ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इनएफिशिएंसी, ठीक है। नाउ पिछले 2 से 3 सालों में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो लगातार एक दूसरे पर काफी सारा दोषारोपण कर रही है, मतलब एक दूसरे को ब्लेम कर रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के फेलियर के लिए या फिर इनएफिशिएंसी के लिए। समझिए, जो मेदीगड्डा बैरेज है इसके अंदर जितने भी पिलर्स बनाए गए हैं, पिलर्स मतलब बेसिकली जो डैम बनाया गया है, तो ऑब्वियसली डैम को बनाने के लिए जो पिलर्स या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है, ये पिलर्स जो है धीरे धीरे टूट रहे हैं, मतलब कि नीचे की तरफ गिर रहे हैं, पानी के अंदर सिंक हो रहे हैं। एंड दैट इज वाई जो करंट गवर्नमेंट भी अभी आई है तेलंगाना के अंदर, वो लोग भी काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज का इशू बना रहे हैं और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनको ब्लेम कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई ये पर्टिकुलर चीज यहां पर न्यूज में है। बट ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में कभी भी आपको न्यूज के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन हमेशा इवेंट्स के ऊपर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इवेंट्स का मतलब यह है कि जो लार्जर न्यूज एनालिसिस है, मतलब अगर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के आसपास में कोई भी यहां पर डिस्प्यूट चल रहा है तो क्वेश्चन आपका जो है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर होगा। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे काम करता है, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से रिवर्स पे है, जितने भी रिवर्स हैं वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है। कौन सा बैरेज है, यानी कि कौन से डैम्स हैं और एग्जैक्टली इस डैम में क्या प्रॉब्लम है, ये सब यूपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक्स हैं, ना कि वो पर्टिकुलर न्यूज पीस पूछा जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि वर्ल्ड के अंदर जो क्लाइमेट चेंज है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की तरह हमारे वर्ल्ड के सामने आए हैं। तो इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मल्टी प्रॉन्ग का मतलब है अलग अलग तरीकों से हमें स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेगी ताकि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील कर सके। नाउ उस पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजीज है उसमें एक जो है कि हमें अपने फूड के सिक्योरिटी को संभालना होगा। कैसे, देखिए, जैसे क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बहुत सारी जो क्रॉप्स थी जो कि नॉर्मल गर्मी में या फिर नॉर्मल वार्म्थ में मतलब रहा करती थी या फिर उगा करती थी, अब वो पर्टिकुलर क्रॉप काफ़ी ज़्यादा फेल हो रहे हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पर क्रॉप फेलियर के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग हुई है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो एवरेज टेम्परेचर है वो बेसिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। नाउ जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल थे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है करंट ग्लोबल वार्मिंग का स्टेज क्या है, तो इट इज एट 1.1 डिग्री सेल्सियस एट प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब कि 1700s में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम में जो भी हमारा ग्लोबल क्लाइमेट हुआ करता था, ग्लोबल बेसिकली टेम्परेचर रेंज हुआ करता था, उससे हम अभी 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पे चल रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि हम ऑलरेडी समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी को बचाने के लिए हमें कुछ ऐसे क्रॉप्स खिलाने की जरूरत है जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, सिंपल वर्ड्स में जो इंक्रीजिंग वार्म्थ के अंदर भी अपनी प्रोडक्टिविटी को संभाल सकें। मतलब कि भले ही गर्मी बढ़ जाए बट फिर भी उनके जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो फेल नहीं होनी चाहिए। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट की वैरायटीज, वीट मतलब गेहूं, ठीक है। गेहूं की कुछ वैरायटीज जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाई गई है, किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। ICAR जो है इंडिया की एक बॉडी है जो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर काफी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले चीज तो ये समझिए कि प्रिलिम्स में इसमें क्या आ सकता है। प्रिलिम्स में डायरेक्टली ये तीनों नाम आ सकते हैं। ये नाम किस चीज के हैं, ये उन क्लाइमेट स्मार्ट वीट वैरायटीज के नेम है, जैसे कि HD CSW 18, देन HD 3410 एंड HD 3385। इसके अलावा कुछ और भी क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट वैरायटीज है, जैसे कि JKW 261, DBW 296 और DBW 327। नाउ सबसे पहले समझिए, ये जो तीन वैरायटीज हैं उनको ICAR ने रिसेंटली लॉन्च किया है और ये जो तीन वैरायटीज हैं ये लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, ठीक है। सो हमें इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कौन किस टाइम में लॉन्च हुआ था। हमारा मेन एम ये है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीन वैरायटीज और ये तीन वैरायटीज, जो 6 वैरायटीज हैं, ये सब के सब क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट की वैरायटीज है, यानी कि गेहूं की वैरायटीज है, ठीक है। अब इसमें हम एक पर्टिकुलर वैरायटी के बारे में बात करते हैं, HD 3385, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है, मतलब कि फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करने का जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल वो इसी पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर है। सो आपको इन 6 में से सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर वैरायटी पे फोकस करना है। देखिए, HD 3385 एक हीट टॉलरेंट वैरायटी है वीट का, और इसे हम, देखिए, नॉर्मली जो वीट वगैरह ग्रो किया जाता है वो नवंबर में मतलब उसको हम डालते हैं, सो करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वैरायटी को हम मार्च में डाल सकते हैं।
देखिए मार्च में हम डाल सकते हैं, और उसके बाद भले ही टेम्परेचर स्पाइक्स होंगे, भले ही यहाँ पर अप्रैल मई जून के आसपास में हमारा जो जो हमारा बेसिकली टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, उसके बावजूद भी ये केपेबल इनफ होगा कि हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। नाउ इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं नॉर्मल वीट से। नॉर्मल वीट जो होता है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम लेता है ग्रो करने में, मतलब सोइंग से लेकर के कल्टीवेशन का जो टाइम होता है वो 3 महीने का होता है। बट इस पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर इट इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स, मतलब कि 130 से 160 दिन लग सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लगेंगे इस पर्टिकुलर वीट को ग्रो करने में, सबसे पहली चीज़। तो सेकेंड चीज़, इसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। पहले तो समझिए एवरेज यील्ड पोटेंशियल कितना होता है, 35 टू 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये जो वैरायटी है ये नॉर्मली जो नॉर्मल वीट्स होती हैं इतना प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं अगर अच्छे से अच्छे एग्रीकल्चर फील्ड में उसको सो किया जाए तो। बट यहाँ पर जो HD3385 है वो ऑलमोस्ट 75 क्विंटल्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना प्रोवाइड कर रहा है पर हेक्टेयर, ठीक है। अब इसके अलावा जो नॉर्मल वीट होता है वो सबसे अच्छे से ग्रो करता है वार्म टेम्परेचर के अंदर, बट वो वार्म टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, वो बेसिकली 20 से 24 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और जब भी हम उसको सो करते हैं उस टाइम में हमें थोड़ा सा रेनफॉल चाहिए होता है, और जब हम उसको फाइनली देखते हैं जब वो ग्रेन्स फिल हो रहे होते हैं, मतलब जो वीट के दाने हैं, जो गेहूं के दाने हैं, जब वो फिल हो रहे होते हैं उस टाइम में अच्छे सनशाइन की ज़रूरत होती है, मतलब अच्छे धूप की ज़रूरत होती है। बट अगेन अगर ये धूप एक्सट्रीम में चला जाएगा तो हमारे जो वीट के वैराइटीज़ हैं वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर HD3385 की सबसे अच्छी खासियत यही है कि वो बढ़ते सनशाइन या फिर बढ़ते गर्मी के बावजूद अच्छी प्रोडक्टिविटी जो है प्रोवाइड कर सकता है, और प्रोडक्टिविटी भी कितनी है ऑलमोस्ट 2 गुना। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पार्ट, यानी कि जो क्लाइमेट रेजिलेंट वीट की वैराइटीज है उनका नाम। यहाँ पर ये जो 3 वैराइटीज है इनका नाम, हमें ये तीनों 6 के 6 नेम्स पता होने चाहिए। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है HD3385, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और जो HD3385 है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि वो नॉर्मल से ज़्यादा दिन ले रहा है ग्रो करने के लिए। सेकेंड चीज़, उसकी ईल्ड ज़्यादा है। देखिए आपसे कोई ये डेज नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स इज नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट द नंबर ऑफ डेज, वो सिंपली पूछेगा कि जो नॉर्मल वीट की वैरायटीज है उससे ज्यादा दिन लग रहा है या फिर कम दिन लग रहा है। तो आपको बस याद रखना है कि उसको ग्रो करने में ज्यादा दिन लगता है, उसकी यील्ड पोटेंशियल भी ज्यादा है, ठीक है, और इसको बेसिकली भी सनशाइन की जरूरत है, और इसको बेसिकली मार्च के अंदर सो किया जाएगा, मतलब मार्च के अंदर इसको रोपा जाएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ जैसा हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट वैरायटीज के बारे में बात की, कुछ ड्रॉट टॉलरेंट वीट वैरायटीज भी है, मतलब जो ड्रॉट को सह सकती है। अगेन वीट जो है वो ड्रॉट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, बिकॉज जैसा हमने बात की उसको सनशाइन और रेनफॉल दोनों की जरूरत होती है। तो अगर इसको ड्रॉट मिल जाएगा अर्ली सीडलिंग के टाइम में, मतलब अर्लियर जब इसका सीड फॉर्म हो रहा होता है, तो ये प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं होगा। तो देखिए कुछ ड्रॉट टॉलरेंट वीट वैराइटीज हैं, समझिए कौन कौन से हैं। पहले का नाम है जवाल। जवाल जो है इसे बेसिकली ड्यूरम वीट की वैराइटी है। अब देखिए ड्यूरम वीट क्या होता है, ड्यूरम वीट जो है ये बहुत ही पॉपुलर वीट है। सबसे पहले तो जो भी आटा आप अपने घरों में खाते हैं, ठीक है, वो गेहूं से बनता है, राइट। अब जो गेहूं, जो नॉर्मल वीट जितना भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उस नॉर्मल वीट के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो वीट प्रोडक्शन भारत के अंदर होता है उसे हम कहते हैं ड्यूरम वीट। इसको समझिए। अब ड्यूरम वीट का मेन एम क्या है, ड्यूरम वीट से क्या क्या चीजें बनती है। आप अपने घरों में जो मैक्रोनी खाते होंगे, जो पास्ता खाते हैं ना, ये सब चीजें ड्यूरम वीट से बनती है। अब ये कहां पर काम आ सकती है, अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा मॉस्किटो रेपेलेंट होता है उसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर हम लिक्विड यूज करते हैं। उसका आंसर था एलिफेंट ग्रास, राइट। एलिफेंट ग्रास का जो परफ्यूम है बेसिकली हम उसको यूज कर सकते हैं, जो स्मेल है उसको हम यूज करते हैं। उसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्यूरम वीट है वो भारत में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस होने वाला वीट है, और उससे हमारे घरों में जो बेसिक मैक्रोनी पास्ता ये सब चीज़ें जो हैं, जो बेसिकली बेकड चीज़ें हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वो सब यहाँ पर बनाई जाती हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो ड्यूरम वीट को आप समझ गए। अब उसी ड्यूरम वीट की एक ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी बनाई गई है जिसका नाम रखा है जबाल। तो जबाल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा HI8802, जिसे कि पूसा वीट 880 भी कहा जाता है, कि भारत के नॉर्मली साउदर्न जो पार्ट है वहां पर ये पाया जाता है, सदर्न इंडिया के अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा GMI21 एंड GMI22, ये दोनों ही ऐसे वीट की वैराइटीज है जिनका रूट्स बहुत स्ट्रांग होता है, और रूट स्ट्रांग होने के कारण वो जो बेसिकली ग्राउंड के जो लोएस्ट पार्ट है वहां से भी वो वाटर या मॉइस्चर ले सकते हैं, एंड दैट इज वाई वो ड्रॉट से रेजिस्टेंट अपने आप को रख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये 3 वैराइटीज का नाम आपको याद रहेगा, जबाल,
HI8802 एंड ZIMI21 एंड ZIMI22, ये चार वैरायटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा हमने ऊपर देखा था यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट की कुछ वैरायटीज, तीन यहाँ पर और तीन यहाँ पर, छह वैरायटीज हैं, ये आपको बस ध्यान रखना है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ यहां तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज पीसेस थी वो हमने कवर कर ली। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आसियान और इंडिया के फ्री ट्रेड एरिया से बात करता है। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि भारत और आसियान के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखिए, भारत और आसियान को समझने से पहले यह समझिए कि आसियान क्या है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब कि जो कि एशिया के साउथ और ईस्टर्न साइड में प्रेजेंट है। मतलब वो 10 कंट्री का जो ग्रुप है ना, उसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहा जाता है। और उसी का जो एसोसिएशन है, मतलब वो लोग साथ में मिलकर एक बॉडी बनाए हैं, उस बॉडी का नाम है आसियान। तो जैसा हमने देखा टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 कंट्रीज हैं। ये नेम्स आपको पता होने चाहिए। अब समझते हैं कि आसियान का मेन गोल क्या है। गोल ये है कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन सबके बीच में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब आपस में हम ट्रेड करेंगे, मतलब वो सारी की सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करेगी। और सिक्योरिटी कोऑपरेशन का मतलब है कि एक दूसरी कंट्री को हम नेवल पावर के थ्रू बचाएंगे। मतलब अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो दूसरी कंट्री यहाँ पर सपोर्ट के लिए आएगी। बट अगेन, आपको ध्यान रखना है कि ये नेटो की तरह सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है। नेटो में क्या है, नेटो में एक आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि अगर किसी भी एक नेटो मेंबर पर अटैक होता है तो बाकी सारी की सारी नेटो मेंबर्स बाध्य हो जाएंगे, मतलब बाइंड हो जाएगी उस पर्टिकुलर मेंबर पे को बचाने के लिए जो अग्रेसर है, मतलब जो एक कंट्री जिसने उस नेटो मेंबर पे अटैक किया है उस पर अटैक करने के लिए। सो यहां पर नेटो ने क्या किया, बाइंडिंग कर दिया इस रेजोल्यूशन को। बट यहां पर भले ही सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, बट ऐसा कोई यहां पर कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जो कि यहां पर नेशंस को बाइंड कर रहा हो दूसरी कंट्री पर अटैक करने के लिए। आई होप दिस मच इज क्लियर। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सिक्योरिटी कोऑपरेशन दोनों ही यहां पर एक इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस आसियान ग्रुप से। इसके अलावा जो आसियान का सेक्रेटरीट यानी कि सिंपल वर्ड्स में हेडक्वार्टर है, वो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता, वहां पर है। इसके अलावा आसियान जो है वो अमेरिका यानी कि यूएसए का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो एक चीज ध्यान रखिए, आसियान के अंदर ये 10 कंट्रीज हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम आसियान का किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम इन 10 कंट्री को साथ में मिलाकर बात करते हैं। इन 10 कंट्री को साथ में मिलाकर के यूएसए के साथ जब देखते हैं तो वो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम इन कंट्रीज को इंडिविजुअली देखें तो इनका शेयर जो है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, हम आगे की बात करते हैं कि एग्जैक्टली देखिए, इसके अलावा आसियान के अलावा एक आसियान प्लस 6 नाम की एक बॉडी है। आसियान प्लस 6 में इंडिया एक मेंबर है। तो समझिए, आसियान में इंडिया एक मेंबर नहीं है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में इंडिया एक मेंबर नहीं है, बट आसियान प्लस 6 में इंडिया एक मेंबर है। इंडिया के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि इसका मेंबर है, इंडिया, चाइना, फिर जापान है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, ये सब इसके मेंबर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर यह भी समझिए कि 2009 के अंदर भारत और आसियान ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था। मतलब कि इंडिया ने यह डिसाइड किया था कि हम आसियान कंट्री के साथ में ट्रेड करेंगे और सबको एफटीए प्रोवाइड करेंगे, मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट प्रोवाइड किया था। इसके अलावा 1992 से इंडिया और आसियान के जो बीच के रिलेशन हो काफी इंक्रीज होने स्टार्ट हुए, बेटर होने स्टार्ट हुए। देखिए 1992 में दोनों का जो बेसिकल रिलेशन है वो इस लेवल पे पहुंच गया कि आसियान ने इंडिया को अपना एक सेक्टोरल पार्टनर माना। इसके अलावा 1996 में डायलॉग पार्टनर माना, 2002 में सबमिट लेवल का पार्टनर माना और 2012 में इंडिया जो है आसियान का एक स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गया है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया है। तो आपको ये तीनों चीजें याद नहीं होनी चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि भारत जो है वो आसियान का एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये दो चीज आप समझ गए। नाउ रिसेंट न्यूज क्या है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आसियान और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ था 2009 के अंदर। देखिए यहां पर हमने डिस्कस किया कि 2009 के अंदर ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब ऑल दो ये अग्रीमेंट 2003 के अंदर ही साइन हो गया था, बट ये फाइनल जो इंप्लीमेंट हुआ था वो 2009 के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर गुड्स, सर्विसेज और दोनों ही कंट्री का एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट, ये तीनों ही चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि गुड्स के बीचों मतलब एक दूसरे कंट्री को ये गुड्स भी बेच सकते हैं, मतलब कोई सामान बेच सकते हैं, कोई सर्विसेज बेच सकते हैं और एक दूसरे की जो कंट्रीज है उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को किसी भी आसियान कंट्री के अंदर कोई बिजनेस करना है या फिर कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, तो एग्जैक्टली वो इंडिया के बिहाफ पे कर रहा है। राइट, ध्यान समझिएगा इसको। देखिए आसियान के साथ जो यहां पर बेसिकली पार्टनरशिप हुई है वो इंडियन गवर्नमेंट की हुई है, इंडियन गवर्नमेंट की। बट इंडियन गवर्नमेंट किस चीज के लिए पार्टनरशिप कर रहा है, मतलब किसके लिए कर रहा है, वो कर रहा है इंडियन बिजनेसमैन के लिए।
तो जब भी कोई बिजनेसमैन आसियान के किसी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड करेगा, कोई एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा, तो वो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा होगा, राइट। बट अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है, तो कुछ मान लेते हैं अगर ये बिजनेसमैन ने कुछ गलत एक्सपोर्ट या कुछ गलत इंपोर्ट किया, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा? जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। एंड दैट इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जब भी आपको कोई भी ट्रेड करना हो इंडिया की तरफ से आसियान मेंबर से, तो पहले आपको एक परमिशन लेना होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का सीधा सा मतलब ये है कि एक बॉडी है इंडिया के अंदर जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT। वो एक सर्टिफिकेट बनाकर देगी जो शो करेगा कि हमने इनका प्रोडक्ट चेक किया है, प्लस ये जो प्रोडक्ट है वो इंडियन ओरिजिन का ही है, वो इंडिया का ही है बेसिकली, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये हमें सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है। मान लेते हैं कल को कोई थर्ड कंट्री आकर के आसियान के किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दे ये बोलकर कि हम इंडिया की तरफ से ट्रेड कर रहे हैं, उस चीज को बचाने के लिए यहां पर DGFT को बीच में लाया गया है, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को बीच में लाया गया है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है और उससे एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ता है, इससे पहले कि इंडिया जो है आसियान के किसी भी कंट्री के साथ या फिर किसी मेंबर के साथ ट्रेड कर सके। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब 2023 में यानी कि इसी पर्टिकुलर साल में भारत और आसियान ने यह डिसाइड किया कि हम अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को रिव्यू करेंगे 2025 तक, मतलब 2023 से लेकर के 25 तक, अगले दो सालों के अंदर हमें उसको रिव्यू करना है। नाउ मेन एम क्या है रिव्यू करने का, कि बेसिकली जितने भी न्यू एरियाज ऑफ पार्टनरशिप्स आए हैं, जैसे कि देखिए अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो गया है, जो बेसिकली चिप्स डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो गया है, तो इन सब चीज़ों को, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अभी तक हमारे FTA के अंदर प्रेजेंट नहीं थी, बिकॉज ये FTA 2009 में साइन हुआ था, इसलिए इसको एनहांस करना और इसको डाइवर्सिफाई करना है। मतलब कि अभी जो बायलेटरल ट्रेड में जो इतना सारा असिमेट्री है, उन सब असिमेट्री को यहाँ पर ख़त्म करना है, ठीक है। सो आई होप आसियान का FTA के साथ जो अभी रिव्यू होने वाला है, FTA का जो रिव्यू होने वाला है, ये आप प्रॉपर्ली समझ गए। इसके अलावा आप आसियान के मेंबर्स को समझ गए, आसियान प्लस सिक्स को समझ गए। अब देखिए आसियान और आसियान प्लस सिक्स में, आसियान प्लस सिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इसका मेंबर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, तो क्वेश्चन विल बी अराउंड दिस, ठीक है। इसके आसियान प्लस सिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपेयर टू आसियान। आई होप आप ये चीज़ समझ गए। तो ये हमारे सारे के सारे न्यूज़ पीसेस थे। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, उसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले चीज़ तो जो आया है, वो आया है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने कुछ यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट्स जारी किए हैं इंडिया के लिए, जिसके कारण इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया है। समझते हैं इसको। सबसे पहले ये समझिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसी बॉडी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है, फाइनेंसेस को रेगुलेट करता है सारे के सारे मेंबर कंट्रीज का, और इंडिया भी इसका एक मेंबर कंट्री है। अब हर साल एवरी ईयर IMF क्या करता है, हर एक मेंबर स्टेट के साथ एक बायलेटरल डिस्कशन करता है। बायलेटरल डिस्कशन का मतलब है उसके साथ बातचीत करता है, और बातचीत करके क्या समझता है, IMF जो है उस पर्टिकुलर कंट्री से उसकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ बातचीत करता है। मतलब IMF ये समझना चाहता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसे चल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे चल रहा है, और साथ ही साथ कुछ पॉलिसीज वगैरह को डिस्कस करता है उस पर्टिकुलर कंट्री के टॉप ऑफिशियल्स के साथ में। जैसे भारत की तरफ से RBI जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, ये लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और जब ये बातचीत हो जाती है IMF की, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कंट्री को हम इंडिया मान लेते हैं कि इंडिया के साथ IMF ने बातचीत की होगी, तो इंडिया की तरफ से किसने बात की होगी, RBI ने किया होगा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बात किया होगा, जो भी लोग उन्होंने डिसाइड किए होंगे, इन लोगों ने IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बातचीत की होगी, और बातचीत करने के बाद IMF जो है एक रिपोर्ट बनाकर देगा। तो जब इन्होंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट बनाकर दी IMF ने, तो IMF ने क्या बोला, IMF ने बोला कि आने वाले समय में, यानी कि देखिए IMF जो बात कर रहा है वो आने वाले 4 से 5 साल की बात की बात कर रहा है। IMF बोल रहा है आने वाले 4 से 5 सालों में भारत के अंदर कुछ ऐसे इकोनॉमिक शॉक्स आ सकते हैं, इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल शॉक्स आ सकते हैं, जिसके कारण भारत की जो गवर्नमेंट की जो डेट है, डेट का मतलब होता है उधार, जो भारतीय गवर्नमेंट ने यानी कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उधार ले रखा है, वो GDP से भी बढ़ सकती है। सिंपल वर्ड्स में वो 100% ऑफ GDP को सरपास कर सकता है, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे हैं। देखिए समझिए, भारत का GDP जितना भी है, भारत की जो डेट है यानी कि उधारी है, वो उससे कम होनी चाहिए, राइट। नॉर्मल सी बात है, बिकॉज उधार का मतलब क्या है, उधार हमारे ऊपर लायबिलिटी है जिसे हमें वापस करना है, और GDP हमारा एसेट है, तो हमारा जो लायबिलिटी है वो हमेशा एसेट से कम होना चाहिए। मतलब हमें जो चीज़ें वापस करनी है वो कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू जो हमारे पास एसेट्स हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो IMF ने जब ये स्टेटमेंट दिया कि आने वाले 4 से 5 सालों में यानी कि 2027-28 में भारत का जो गवर्नमेंट का डेट है, मतलब जो सरकार के द्वारा जो उधार लिया गया है, वो अपने GDP से 100% से भी ज़्यादा ग्रो कर जाएगा,
मतलब कि जितना हमारा टोटल जीडीपी होगा उस टाइम में उससे ज्यादा हमारा उधार होगा। अब देखते हैं, ये था सबसे पहले तो आईएमएफ का स्टेटमेंट। अब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बोलता है, पहली चीज तो जो ये स्टेटमेंट आईएमएफ के द्वारा बोला गया है ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस का मतलब है कि सब कुछ अगर बुरा हो गया, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है इंडिया के लिए, तब शायद ये हो सकता है। ये फेट एक्सप्लाई नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये होने ही वाला है, ठीक है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो पहली चीज तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने ये बोला। दूसरी बात, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने जो अपना रिपोर्ट जारी किया उसके अंदर ये बोला कि कुछ और आईएमएफ की ऐसी कंट्रीज है जिनके पास, जिनका जो सिनेरियो आईएमएफ ने शो किया है वो हमसे भी ज्यादा है, इंडिया से भी कहीं ज्यादा है। जैसे यूएस का बोलता है कि 160% हो जाएगा, मतलब कि जितनी भी यूएस की जीडीपी है और जितना जो डेट है, जो उधार होने वाला है यूएस का, वो उसके जीडीपी से ऑलमोस्ट 160% ज्यादा होने वाला है। यूके का जो उधार है उससे 140% ज्यादा होने वाला है। और चाइना सरप्राइजिंगली इस लिस्ट में सबसे आगे है, जहां पर आईएमएफ ने बोला है कि चाइना का जो जीडीपी डेट रेशियो है वो ऑलमोस्ट 200% होने वाला है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो जितना भी चाइना का जीडीपी होने वाला है अगले 5 सालों के अंदर, उससे डबल यानी कि 2 गुना उसका उधार होने वाला है, सिंपल वर्ड्स में उसका डेट होने वाला है, ठीक है। तो ये आरबीआई ने बोला है, आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे रहा हूं जो फैक्ट्स हम अपने मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर, अपने आंसर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2022-23 का जो हमारा बेसिकली फाइनेंशियल ईयर था, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो कंबाइंड डेट था, कंबाइंड डेट मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन लोगों ने साथ में मिलकर जो भी उधार लिया है वो हमारे जीडीपी का राइट नाउ 81% था, मतलब पिछले साल वो 81% पहुंच गया था। बट अच्छी बात यह है कि उससे भी पिछले यानी कि 2020-21 में ये फिगर 88% पे था, मतलब हमारे 2020-21 में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने साथ मिलकर जो भी डेट लिया हुआ था वो हमारे जीडीपी का 88% था, बट 2022-23 में वो कम होकर के 81% पे आ गया है। और आईएमएफ का भी ये मानना है कि आने वाले समय में वो 70% के आसपास में आ जाएगा, मतलब कंपैरेटिवली हमारा जो डेट रेशियो है वो कम हो रहा है। सो ये घबराने की बात नहीं है, हमारा जीडीपी टू जो डेट रेशियो है वो अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैं, उन्होंने भी आकर ये स्टेटमेंट कहा है कि जो इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, और आरबीआई और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस दोनों ही उस पर अपनी अपनी नज़र बना के रखे हुए हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ आइटम है या फिर जो आर्टिकल है वो प्रॉपरली समझ आ गया होगा। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डॉक्टर्स केस इन बीएनएसएस। बीएनएसएस क्या है? बीएनएसएस का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, सेकेंड संहिता बोलते हैं इसको। समझिए क्या बीएनएसएस क्या है। इससे पहले जो हमारा तीन हमारे जो क्रिमिनल लॉज हुआ करते थे, इंडियन पिनल कोड, फिर था हमारा सीआरपीसी, और था हमारा ठीक है जो तीसरा लॉ था, इन तीनों को ही चेंज करके हमने कुछ इंडियन लॉज लेकर आए हैं, जिसमें जो सीआरपीसी था उसको चेंज करके हम भारतीय न्याय सेकेंड संहिता को लेकर आए हैं। नाउ इसके अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो डॉक्टर्स होते हैं उसके बारे में क्या बोला गया है, जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है उसके अंदर ये बोला गया है कि एक जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि सिंपल वर्ड्स में जो एक डॉक्टर होगा, अगर उस पर्टिकुलर डॉक्टर से कोई भी पेशेंट मर जाए, मतलब कि उस पर्टिकुलर डॉक्टर के कारण किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, लार्जली बिकॉज वो डॉक्टर नेग्लिजेंट था, मतलब कि अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा था, कुछ संभल के काम नहीं कर रहा था, तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर को या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को 2 साल तक की जेल और साथ में एक फाइन जो है वो हो सकता है। सो आई होप आप ये चीज़ समझ गए कि किसी भी डॉक्टर के नेग्लिजेंस के कारण अगर किसी भी पेशेंट की डेथ होती है तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर को 2 साल की जेल और साथ में फाइन हो सकती है। और समझिए, पहले जो ये पर्टिकुलर चीज़ अमेंड किया गया था यानी कि जो रिकमेंड किया गया था उसके अंदर ये बोला गया था कि अगर किसी डॉक्टर के नेग्लिजेंस के कारण कोई डेथ हो जाए तो उस डॉक्टर को कम से कम 7 साल की जेल होनी चाहिए, लेकिन इसको कम करके 2 साल पर ला दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कोई भी क्रिमिनल इंटेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने किसी भी जानबूझकर पेशेंट की हत्या की है या फिर मर्डर किया है, ये भले ही वो नेग्लिजेंस का केस हो बट उसके बावजूद 7 साल का जो वो होता है, मतलब जो टाइम पीरियड है इसका इम्प्रिजनमेंट का, वो बहुत लंबा होता है। दैट इज़ वाई 7 साल से कम करके इसको 2 साल पर लाया गया है। और इस चीज़ के लिए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो चीज़ इस चीज़ के लिए मान गया है, मतलब ठीक है, इस चीज़ के लिए अग्री कर चुका है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए। एम क्या है? देखिए सबसे पहले ये समझिए, एम ये है कि हम डॉक्टर्स को डीमोनाइज नहीं कर सकते, मतलब हर चीज़ के लिए हम डॉक्टर्स को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मेजॉरिटी डॉक्टर जो हैं वो अच्छे हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए, ठीक है। तो हमें
उन्हें फ्रेटनाइज नहीं करना है, मतलब उन्हें हमें डराना नहीं है, हमें उन्हें ये नहीं बोलना है कि अगर आपकी गलती से कोई भी पर्सन मारा गया तो आपको इतने साल की जेल हो जाएगी, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे वो काफ़ी पीछे हट जाएंगे और प्रॉपर तरीके से अपना बेस्ट अवेलेबल केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके मन में कहीं ना कहीं एक फियर बैठा होगा। आई होप आपकी चीज़ समझ गए। नाउ इसी पर्टिकुलर जजमेंट से रिलेटेड एक जैकोब मैथ्यू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस आता है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ही मेडिकल नेग्लिजेंस को प्रॉपरली डिफाइन किया गया कि एग्जैक्टली मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होगा, बिकॉज देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण अगर किसी पेशेंट की डेथ होती है, मतलब डॉक्टर की मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण अगर किसी पेशेंट की डेथ होती है तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर को 2 साल की जेल और कुछ फाइन भरना होगा। बट एग्जैक्टली मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है वो जोसेफ मैथ्यू केस के अंदर बताया गया है। नाउ कोर्ट ये बोलते हैं कि जो नेग्लिजेंस होगा जब तक वो बहुत ज़्यादा ग्रॉस ना हो, मतलब बहुत बड़ी गलती ना हो या फिर बहुत सिग्निफिकेंटली हाई डिग्री की गलती ना हो, तब तक हम उस डॉक्टर को पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर जो गलती है वो कितनी बड़ी गलती है और वो गलती क्या उस ग्रॉस लेवल की है कि नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा, वो एक दूसरा डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, मतलब एक दूसरा फिजिशियन जो है वही डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर गलती का लेवल कितना है और क्या वो पर्टिकुलर जो गलती है वो उस लेवल की है कि इसको पनिशमेंट देना चाहिए, क्या उस डॉक्टर से सच में इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हुई है जिसके कारण उस पेशेंट की डेथ हो गई है। ठीक है, सो आई होप आप ये समझ गए, आपको यहाँ पर जैकोब मैथ्यू केस के बारे में पता होना चाहिए और आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो जैकोब मैथ्यू केस है वो यहाँ पर रिलेटेड है मेडिकल नेग्लिजेंस से और ये मेडिकल नेग्लिजेंस रिलेटेड है भारतीय न्याय संहिता से। ठीक है, जिसके अंदर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर को कुछ मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण जो डेथ होती है उसके कारण 2 साल की जेल और फाइन का प्रावधान रिसेंटली लाया गया है। सो आई होप आप ये चीज़ समझ गए। नाउ अब हम बात करते हैं आज के लीड आर्टिकल की, लीड आर्टिकल मतलब जो आज का मेन आर्टिकल है उसकी बात करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको हम शॉर्ट में समझते हैं। देखिए जस्टिस संजय कौल उस पर्टिकुलर पैनल के एक पार्ट थे जिन्होंने कुछ दिन पहले आर्टिकल 370 का जजमेंट दिया था। अगर आपने इस न्यूज़ को फॉलो किया है तो आपको ये पता होगा कि आर्टिकल 370 जजमेंट के बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है, मतलब कि इस चीज़ को सही ठहराया है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है, भारतीय गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है और वहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दोनों को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो ये पर्टिकुलर केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस पर्टिकुलर केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर दिया है बाय अपहेल्डिंग द लॉ, मतलब इस चीज़ को सही ठहरा कर। आई होप आप समझ गए कि यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं आया, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने सही किया है आर्टिकल 370 को हटाकर। तो वो जो पर्टिकुलर पैनल था ना उसी पैनल में एक जस्टिस थे, जस्ट थे, उनका नाम है जस्टिस संजय कौल। जब वो अपनी 370 का वर्डिक्ट सुना रहे थे तो उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए। किसके लिए बनाना चाहिए? जम्मू कश्मीर के लिए। नाउ समझने वाली बात यह है कि एग्जैक्टली ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होता क्या है, समझिए। ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन जिसको TRC भी बोला जाता है सिंपल वर्ड्स में, इसका मेन एम ये होता है कि जब भी कोई ऐसा एरिया है जहां पर पास्ट में बहुत सारा विक्टिम्स है, मतलब किसी भी टाइप का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर विक्टिम से बातचीत करनी चाहिए और वहां पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन के जो मेन जो रीज़न है या फिर जो मेन जो गलती जिन्होंने की थी उन सबको यहाँ पर आपको पकड़ना होगा और आपको उनको मतलब प्रॉपर आपको उनको फैसिलिटेट करना होगा, सजा देनी होगी। ठीक है, सो ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन का यही मेन एम होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें इसका एम क्या है, टू हील द वूंड्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द इंसर्जेंसी इन कश्मीर वैली। मतलब कि देखिए समझिए, आर्टिकल 370 तो खत्म हो गया, मतलब कि जम्मू कश्मीर अब पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट हो चुका है, लद्दाख जो है वो पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट हो चुका है, लेकिन ये तो प्रेजेंट का टाइम हुआ ना, ये तो प्रेजेंट की बात है। पास्ट का क्या? पास्ट में जितने सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने जितने भी हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को फेस किया है उनको किस तरीके से हम न्याय दिला सकते हैं, तो उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर TRC को बनाने की बात की गई है जस्टिस संजय कौल के द्वारा। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर कमीशन का, मेन एम ये है कि जो सोसाइटी में इतने सारे डिविजन्स आ गए हैं, डिविजन्स कैसे आ गए थे, बिकॉज आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट, फिर इंसर्जेंसी, फिर एक्सट्रीमिज्म, इतने सारे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किया था। तो इन जितने भी ह्यूमन राइट अब्यूजेस हुए थे, इन सब अब्यूजेस के कारण जो सोसाइटी है वहाँ पर, जम्मू कश्मीर की सोसाइटी, वहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स आ गए।
नाउ उन डिविजन्स को खत्म करने के लिए, रिकाउंसिलेशन करने के लिए, मतलब फिर से एक बार सोसाइटी को मर्ज करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए इस पर्टिकुलर कमीशन का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जितने भी ह्यूमन राइट अब्यूजर्स हुए थे पास्ट में उन सबको हम यहाँ पर फैक्टर इन कर सकें और उसको हम खत्म कर सकें, उनके जो भी दोषी हैं उनको हम सजा दे सकें, ठीक है, और ताकि जो बाकी कम्युनिटीज हैं वहाँ पर उनको भी इस चीज़ की खुशी हो कि जो भी हमारे साथ गलत हुआ था एटलीस्ट उसका सही हो रहा है, मतलब एटलीस्ट उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। नाउ जो TRC होते हैं, ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन होते हैं, क्या ये भारत पहला कंट्री होने वाला है जो उसको बनाएगा? द आंसर इज नो। इससे पहले यूनाइटेड नेशन जैसी जो बड़ी बॉडीज हैं उन्होंने भी इस पर्टिकुलर कमीशन का इस्तेमाल किया है। बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो कि TRC को इस्तेमाल करती हैं। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैं आपको देता हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर साउथ अफ्रीका का है। देखिए साउथ अफ्रीका में आप जानते हैं एक मूवमेंट ऑफ लिबरेशन हुआ था, मूवमेंट ऑफ लिबरेशन जिसे आप जानते हैं नेल्सन मंडेला जी ने लीड किया था, ठीक है। अब देखिए जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने जब लीड किया था और फाइनली जब अफ्रीका यहाँ पर पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया था, जब वहाँ पर जो स्लेवरी सिस्टम था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में जो डिफरेंस था वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो गया था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया था, इन सब चीज़ों के होने के बाद साउथ अफ्रीका में बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक TRC बनाया गया था, ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन। एम क्या था कि वहां पर जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं पास्ट में उनको एटलीस्ट क्लोजर मिले, उनको एटलीस्ट सॉल्यूशन मिले, ठीक है। सो आपको समझना है कि भारत को ऐसा पहला कंट्री नहीं होने वाला है जो कि कमीशन बना सकता है, बट यूनाइटेड नेशन जैसी बड़ी बॉडी और बहुत सारे ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि NGOs जो कि इस पर्टिकुलर चीज को बना चुके हैं, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करता है? देखिए इसका मेन फंक्शन ये है कि पब्लिक हियरिंग्स को होल्ड करता है और ऐसे राइट्स वायलेशंस को, मतलब जो पास्ट में जितने भी राइट वायलेशंस हुए हैं इन सबको नोट करता है। अब ये कौन बताते हैं कि कौन कौन से राइट्स वायलेशन हुए थे? जो विक्टिम्स हैं वो भी, और जो परपेट्रेटर्स हैं मतलब जिन्होंने वो राइट वायलेशन किए थे उनको भी बुलाया जाता है, और जो विक्टिम्स थे जिनके अगेंस्ट वो राइट वायलेशन हुए थे उन्हें भी बुलाया जाता है, और दोनों से बातचीत की जाती है इस पर्टिकुलर चीज के मैटर में। नाउ इस पर्टिकुलर सारे फेज में जम्मू कश्मीर के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी, कश्मीरी पंडित। नौ कश्मीरी पंडित का जो इनवॉलेंट्री माइग्रेशन हुआ था, मतलब उनको फोर्सफुली वहां से हटाया गया था बाई मुस्लिम कम्युनिटीज, इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए एक्चुअली TRC की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए थे, इतने सारे जो फैमिलीज का मर्डर हुआ था, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर TRC का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए। अब देखिए जो ट्रुथ कमीशन होते हैं यानी कि TRC जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, पहली चीज़ तो समझिए, वो ऑनगोइंग इवेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिंपली पास्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब कि वो बात करेंगे कि क्या क्या हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं। वो ये नहीं देखते कि आज वो जस्टिसेस नहीं हो रहे हैं, आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई हैं फिर भी पास्ट में जो भी प्रॉब्लम था उसको भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी देखिए जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज करती है, और वो साइकोलॉजिकल डैमेज जितने भी कम्युनिटीज को हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए जो TRCs हैं वो पास्ट के बारे में बात करती है, पास्ट को सॉल्व करने की कोशिश करती है। सेकेंड, वो पैटर्न ऑफ इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करती है, वो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। लेट्स से अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ अगर कोई भी क्लैश होता है तो वो सिर्फ उस कम्युनिटी का नाम देख करके वो चेक करेगा कि एग्जैक्टली इसके पीछे लार्जर कॉज क्या था, ठीक है। सो ये पैटर्न्स को चेक करता है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुए थे। थर्ड चीज़, ये डायरेक्टली बात करता है अफेक्टेड पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरी कम्युनिटी को भेजेगा या फिर दूसरे ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को भेजेगा, रादर ये खुद ही डायरेक्टली जाकर के उन सारे विक्टिम से बात करेगा जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को खुद सहा है। नेक्स्ट चीज़, ये एक टेम्प्ररी बॉडी होती है, ये परमानेंट बॉडी नहीं है। इसका फाइनल एम ये होता है कि इसको एक फाइनल रिपोर्ट देना है कि एग्जैक्टली किस कम्युनिटी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी और कैसे उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं राइट नाउ, क्या क्या हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए थे और प्रेजेंट सॉल्यूशन क्या है उस चीज़ का। फाइनली जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इस पर्टिकुलर कमीशन को एम्पावर करती है, मतलब ये कमीशन अपने आप में पावरलेस नहीं होता है। सेकेंड चीज, ये अपने आप में इतना पावरफुल भी नहीं है कि वो स्टेट के ऊपर है, रादर इसका मेन एम ये होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट है, जो लॉ है, लॉ के अंदर रहकर ही काम करे। आई होप आपको ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई। देखिए TRCs काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली बार इंडियन जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके अंदर जो जस्टिस कॉल है उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर एक्चुअली इनॉग्रेट किया है, उन्होंने स्टार्ट किया है।
आज तक TRCS कभी बनी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिसको हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस के लिए सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि TRC जो है उसको बनाया जाता है और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो ये भारत के अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी जाकर के बन सकती है और वहाँ पर जाकर ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है। नाउ एक लास्ट चीज, एक बॉडी है दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांजिशनल जस्टिस, ICTZ, ये एक टाइप का NGO है और ये NGO का इसका मेन एम ही ये है कि ये ट्रुथ कमीशन को बनाता है और जिस भी पर्टिकुलर बॉडी के पास ट्रुथ कमीशन यानी कि TRCS को बनाने की एक्सपर्टीज नहीं होती उनको ये एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आफ्टर ऑल हम इस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांजिशन जस्टिस ये भी हमारे प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सिंपल पूछ सकते हैं क्या ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, क्या ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की बॉडी है, ठीक है, एग्जैक्टली किस चीज़ की बॉडी है और ये भले और ये जस्टिस से रिलेटेड है तो इसको हम डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन का जो जो बिगेस्ट कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसे रिलेट किया जा सकता है। बट आपको ध्यान रखना है ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, ये एक सिंपल इंडिपेंडेंट NGO है। भले ही उसके नाम के अंदर इंटरनेशनल सेंटर आता है, स्टिल दिस इज अ NGO जिसको हो सकता है आने वाले समय में इंडिया भी इस्तेमाल करेगा अपने यहाँ पर TRCS को बनाने के लिए, अगर भारत के अंदर TRC को जम्मू कश्मीर या फिर किसी भी अलग रीजन के लिए बनाया जाता है। तो आई होप आपको TRCS के बारे में और जो बाकी जितने भी न्यूज आर्टिकल्स थे उनके बारे में प्रॉपरली समझ आ गया होगा। नाउ आई अग्री कि आज का जो हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन है वो काफी लंबा हो गया, बट विल ट्राई टू कीप इट मोर शॉर्ट। ठीक है, माई ओनली एम इज कि जो भी न्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं उस डिस्कशन को हम थोड़ा सा लंबा भले ही कर ले, बट जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारे रिविजन मटीरियल है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होने चाहिए। ठीक है, अब मैं ये करूंगा कि इस पर्टिकुलर जो भी हम डेली नोट्स वगैरह बनाते हैं, जो भी डेली नोट्स को हम रिवाइज करते हैं, इस नोट्स का एक PDF जो है मैं इस IQ Tab के टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो वहां से भी उस PDF को ले सकते हैं ताकि वो आपके डेली जो नोट्स का रिविजन है उसके अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।